नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर संभाग तरबतर, कई गांव जलमग्न, सड़क संपर्क टूटा, जलाशय छलकने को आतुर। यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद लेक सिटी में मोदी पर दिए बयान के कारण आए थे विवादों में। मूलभूत सुविधाओं से महरूम है लेक सिटी की गुरु नानक कॉलोनी, नेता और प्रशासन सभी ने किया नजरअंदाज। पचास बारातियों से भरी बस खाई लटकी, 15 घायल, उदयपुर में चल रहा है उपचार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नॉनस्टॉप बरसात की। मेघ देवता ने उदयपुर संभाग को तर बतर कर दिया है। पिछले दो दिनों से संभाग के सभी जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जिलों में तो गांवों से सड़क संपर्क टूट गया है। नदियां तालाब लबालब हो गए हैं। पुलों के ऊपर पानी होने से आवागमन बंद हो गया है। मौसम विभाग की ओर से दो दिन पहले उदयपुर संभाग में तेज बारिश की संभावना जताई गई थी। बादलों से मूसलाधार बारिश हो रही है। जिले में मेघ अपनी पूरी मेहरबानी दिखा रहे हैं। अंचल बारिश से तरबतर हो गया है। हर जगह बीते 24 घंटे में जोरदार बारिश रिकॉर्ड हुई है। मूसलाधार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। भिंडर के अमरपुरा गांव में तेज बारिश से घरों में पानी भर गया है। वहीं राजसमंद जिले के दरीबा व रेलमंगरा गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। हाईवे की सड़क के पास से रास्ता बनाकर गांवों से पानी बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। रेलमंगरा गांव में पानी के बहाव के साथ एक युवक के बहने की भी प्रशासन ने पुष्टि की है। उदयपुर शहर सहित आसपास उपखंड क्षेत्रों व कस्बों में मूसलाधार बारिश से हालात बदतर हो गए हैं। दरीबा गांव में स्थित दरीबा माइंस व उसके आसपास की कॉलोनी में पानी भर गया। वहीं रेलमंगरा गांव भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। घरों में 5 फीट तक पानी भरने से पानी की निकासी के लिए क्षेत्र में हाईवे किनारे सड़क को तोड़कर पानी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि बस्तियों में पानी को और ज्यादा घुसने से रोका जा सके। उदयपुर शहर में देर रात 3 बजे से बारिश का दौर जारी है, जो सुबह 8:30 बजे तक जारी रही। इस बीच कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के समाचार भी मिले हैं। बारिश का दौर 1 घंटा रुकने के बाद 9:30 बजे फिर बारिश की फुहारें शुरू हुई, जो दोपहर 11 बजे तेज बूंदाबांदी में बदल गई, जो दोपहर 12:30 बजे तक जारी रही। अंचल के डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भी लगातार बारिश से डूंगरपुर का मार्गिया बांध ओवरफ्लो होकर इस पर 15 सेंटीमीटर की चादर चल रही है। वहीं बांसवाड़ा जिले के सुरवानिया बांध के ओवरफ्लो होने से इसके 4 गेट 4-4 फीट खुले हुए हैं। इधर भिंडर कस्बे और आसपास के गांवों में देर रात से तेज बारिश हो रही है, जिससे इस गाँव के कई घरों में पानी भर गया है। बस्तियां जलमग्न नजर आ रही है। गाँवों का आपस में संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने उदयपुर संभाग में बारिश को लेकर अलर्ट कर रखा है। पानी कम गड़े पड़ो, 2 गुना आगे भरियो, सदी अतरो बहाव तेज चल रहो है। और पानी का वरका बढ़ते बंद थोड़ी हुई होगी। मार लीजिए कहीं शूटिंग तो फोटो हाथ तो पकड़ो, सूतिया रे गोड़िया दो चार रे मेरे अगर फर्क पड़ी आखिर में खाडो होटे अरे खाड़ा
जैसमंद के घाट सेक्शन में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बुधवार को बारात लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर खाई में लटक गई। सराड़ा क्षेत्र में बारातियों से भरी बस जैसमंद पाल पर चढ़ाई करते समय अनियंत्रित होकर 50 फीट खाई में लटक गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बारातियों को नीचे उतारा गया। थानाधिकारी हनुमंत सिंह ने बताया कि अदवास गांव से शंकरलाल ढोली के बेटे की बारात बस से चावंड जा रही थी। जैसमंद के पाल पर चढ़ते समय बस अनियंत्रित होकर 50 फीट खाई में लटक गई। बस में 50 से अधिक बाराती सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बारातियों को नीचे उतारा गया। घटना में 15 बाराती घायल हो गए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई टीम में शामिल हुए इमरान मसूद अपने विवादित बोल के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। राज बब्बर की टीम में उपाध्यक्ष बनाए गए इमरान मसूद ने लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद मसूद लगातार विवादों में बने हुए हैं। परिवार के साथ उदयपुर घूमने आए मसूद को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी यहीं मिली। मसूद ने नरेंद्र मोदी के लिए दिए गए अपने बयान पर एक बार फिर खेद प्रकट किया है। मसूद ने साफ किया कि उन्होंने इस बयान के लिए कई बार माफी मांग ली है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी लगातार इसी को मुद्दा बना रही है, जबकि उनके नेता लगातार मुस्लिम विरोधी बयान दे चुके हैं। मसूद ने साफ किया कि राज बब्बर के नेतृत्व में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। मसूद ने अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए साफ किया है कि उनकी छवि विवादित नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति पर दिए बयान के बाद उन्हें लगातार विवादों के घेरे में खड़ा किया जाता है। कश्मीर मामले पर भी मसूद ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेकर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। देखिए, राहुल जी ने जो सोच करके हमें जिम्मेदारी दी है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम कर सकूं और निश्चित रूप से कांग्रेस को एक नई ताकत, एक नई क्लेवर के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो लाने का प्रयास आदरणीय राहुल गांधी जी ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया है और उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, बार बार एक ही सवाल को दोहराया जाना मुझे नहीं समझ में आता कि क्या वजह है कि बार बार इसी सवाल को दोहराया जाता है। मैंने तो इस बारे में बार बार कई बार राष्ट्रीय चैनल के ऊपर भी, मीटिंग में भी, हमारे यहाँ की आम बोलचाल की भाषा इस प्रकार की है कि उसके अंदर इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल आदमी अपनी औलाद के लिए भी कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी मैंने तो खेद प्रकट कर दिया। चलिए, मैंने तो एक व्यक्ति के लिए बोला था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट करके बार बार बोला जाता है और वो केंद्र के अंदर मंत्री बन के बैठे हैं, चाहे गिरिराज किशोर हों, चाहे साध्वी प्राची हों और चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, ये जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भाषा देश के अंदर जोड़ने वाली है? हम लोग कभी तोड़ने की बात नहीं करते। हम कांग्रेस की ये भाषा नहीं है, हो सकती है। मैंने उसके लिए खेद प्रकट कर दिया। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के निर्देश पर मैंने बार बार इस बात को कह दिया कि हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन वो तो इसके बाद भी नहीं करते और फिर बोलते। मुझे राहुल जी ने इस बयान के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे इनाम कहाँ से मिल जाएगा? मेरा नुकसान हो गया, मैं चुनाव हार गया इस बयान की वजह से। मेरे विरोधियों ने इस बयान को जिस तरह से दिखाने का काम किया, पूरा तो उसको दिखाया नहीं। वो तो उस वक्त दंगे चल रहे थे, दंगों को रोकने के अंदर हम लोग कामयाब हो गए, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो उपलब्धि तो छुप गई, ये दिखा दिया हमारा आधा कचरा। मेरी विवादित छवि नहीं है, कोई छवि। अभी हम बाई इलेक्शन जीत का है देवबंद का, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बाई इलेक्शन देवबंद का अभी जीता है, तो हमारी विवादित छवि किस प्रकार की होगी? विवादित छवि के लोग तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, तमाम चेहरे विवादित हैं। और वो खुद नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया था? एक पूरी कम्युनिटी को आप कह रहे हो कि कुत्ते का पिल्ला भी मर जाता है तो उसका भी दर्द होता है, हमारी तुलना कुत्ते के पिल्ले से करेंगे और हमने ज़रा सा बोला तो बहुत परेशान हो गए। नहीं नहीं, राजबब्बर जी समझदार नेता हैं, बड़े नेता हैं और उनका अपना एक अनुभव है और निश्चित रूप से उनके अनुभव का पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन हम लोग तो प्रयास करेंगे कि हम लोग सरकार बनाए उत्तर प्रदेश के अंदर, चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति की, धर्म की, बहुत राजनीतियों की बहुत विनाश करा दिया।
कोई किसी धर्म की बात करता है, कोई किसी जाति की बात करता है, लेकिन सभी जाति को धर्म को साथ लेकर प्यार और मोहब्बत और विकास की बात केवल कांग्रेस करती है और कांग्रेस ही विकास का नारे के ऊपर इस चुनाव को लड़ने का। देखिए ये तो बीजेपी बेनकाब हो रही है। बीजेपी यहाँ आकर शोर कुछ मचाती है, वहाँ बैठ करके सरकार चलाती है। आज बीजेपी जवाब दे, आतंकवाद क्यों दोबारा पनप गया? 56 इंच की छाती लेकर के मोदी जी चले थे कि मैं आतंकवादियों को खदेड़ कर आऊँगा। आज मोदी जी की छाती कहाँ गई 56 इंच की? आज आतंकवाद अपनी चरम सीमा के ऊपर है। कश्मीर के अंदर लोगों का जीना मुहाल हो गया। कहाँ गया वो कश्मीरी पंडितों के साथ किया हुआ वादा कि हम तुमको वापस लेकर जाएंगे? इधर राजनाथ सिंह कुछ बयान देते हैं, महबूबा मुफ्ती कुछ बयान देती हैं, तो ये अपनी स्थिति को साफ करना चाहिए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is health. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294-241-4256 और 9414-1221। बिगेस्ट मल्टी ब्रांड स्टोर ऑफ उदयपुर, राजा साहेब एक्सेल, लेडीज जेंट्स एंड किड्स ऑल गार्मेंट्स। फोर वन वन भोपालपुरा अपोजिट गट्टानी हॉस्पिटल उदयपुर। कॉल एट 0294-241-166। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 2640452। और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है,
क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझ कर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12, साइंस आर्ट्स कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए, अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर राजस्थान। कॉन्टेक्ट 9413762552, 9828164598, www.udaipurabhinavschool.com। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटर कॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाए मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। न्यू ओपनिंग दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफिट शोभागपुरा रोड नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए। तो उठाइए पेन वो पेपर वो नोट कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टेक्ट नंबर है 02942420905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर, बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। क्या आपका बच्चा 10वीं पास कर चुका है और आपका बच्चा 10वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता है? क्या आप बच्चे के भविष्य के बारे में परेशान हैं? आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को भीड़ से अलग देखना? तो अपनी चिंता करें हमारे नाम एलन पैरामेडिकल कॉलेज, जहां एक्सरे, लेबोरेटरी, डेंटल, हाइजीनिक, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवं कई तरीके के कोर्सेज के जरिए 10वीं पास बच्चे को चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर। यही नहीं, कोर्स के दौरान मात्र 6 महीने में कमाने का अवसर व साथ ही समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेमिनार। सभी कोर्स केंद्रीय सरकार व UGC से मान्यता प्राप्त और साथ ही सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति भी सुविधा भी। हम बनाएंगे आपका भविष्य। एलन पैरामेडिकल कॉलेज, बसंत विहार, लेक गार्डन कॉम्प्लेक्स के सामने, गोवर्धन सागर पाल, मेन रोड, उदयपुर। 9929138681, 9660775154। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी लेक सिटी को सुंदर बनाने के तो काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ कॉलोनियां ऐसी भी हैं जहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है और लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। शहर के बेडवास में मूलभूत सुविधाओं से महरूम गुरु नानक कॉलोनी के लोग नेता और प्रशासन के रवैये से काफी नाराज हैं और सभी वादों और कामों को बेमानी बता रहे हैं। उदयपुर शहर के प्रतापनगर चौराहे से मात्र 3 किलोमीटर दूर पर सिंह कॉलोनी है, जो बेडवास क्षेत्र में आती है, जहां के हालात देखकर आपको लगेगा कि क्या स्मार्ट सिटी की भी कोई ऐसी
कॉलोनी हो सकती है, जहां के लोग अभी भी ऐसी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं जैसे बिजली, पानी, सड़कें, चिकित्सा और सबसे जरूरी शिक्षा। यहाँ के बाशिंदे बिजली के लिए तारों में आंकड़े डालकर बिजली की चोरी करते हैं और करे भी क्यों नहीं, सरकार उन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं दे रही तो अब वे अपने घर को कैसे रोशन करें। लेकिन ये चोरी बरसात में उन्हें भारी पड़ती है, कई बार दीवारों से करंट आने लगता है, फिर घरों में रहना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति के लिए भी कुछ नहीं है, लोगों को पानी भरने के लिए दूर जाना होता है, सड़कें तो हैं ही नहीं, बारिश में इस क्षेत्र में जा पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हब बनने जा रही लेक सिटी की इस कॉलोनी आसपास में एक भी स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, इस कारण बच्चों ने अभी तक स्कूल के मुंह भी नहीं देखा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि मकानों से ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है जो किसी भी समय बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। सरकार ने भी इनका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर शौचालय बना दिए गए लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की। बार बार अधिकारियों के चक्कर काट काट कर हारने के बाद भी अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने से नहीं थकते। इन्हें भरोसा है कि यहाँ भविष्य में सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अब उदयपुर के जनप्रतिनिधियों को समय से इस कॉलोनी के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, वरना किसी दिन स्मार्ट सिटी की पोल खुल जाएगी। पानी का ए बेटा, नाली की समस्या, अगर बरसात आती है तो हमारे रोड भर जाता है, इधर कुंडा बनाया रोड और कचरे की पानी की है, कचरा निकाल दे, कचरा इधर फेंकने की दिक्कत पड़ती है, नाली का कचरा इधर फेंकना पड़ता है और ये बहुत कचरा रहता है। नाल की साफ सफाई चाहिए, यहाँ पे बैठने की समस्या चाहिए, सब चाहिए हमको, स्कूल भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, खेलने की बच्चों नहीं पढ़ने नहीं जाते, नहीं स्कूल मनाना, समस्या ये है कि एक तो ना है आंगनवाड़ी, ना है कोई स्कूल वगैरह, कोई नहीं, ना बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरी बात है कि नाली वगैरह है तो कोई मतलब सुनवा है ही नहीं। अभी इनके लेटरिन बाथरूम ये बनवाए कि 12,000 में खड्डे खोल के दिए, बोले खड्डे तुम खुद बनाओ, ये कैसे बनाएंगे 12,000 में, कोई लेटरिन बाथरूम बन रही है क्या? ये चल रही थी 12,000 में कोई लेटरिन बाथरूम बन रहा है क्या? नहीं बनेगा ना, तो ये समस्या है। तो खड्डे अभी भरे नहीं है, खड्डे जो किसने बनाए ना बनाए नहीं, अभी ठेकेदार बोल रहा है मैं खड्डे बनवा के दे रहा हूँ। खतरा तो ये कभी भी है, थोड़ा भाई इंसान ये छोरे शॉर्ट से मर भी सकते हैं क्या, तार नीचे थे तो अभी ये मोहल्ला वाले मिल के घास नहीं लिए, कब आते हैं कि कोई काम होता था सरपंच वगैरह, बाकी कोई सरपंच आता नहीं है यहाँ पे, अगर कोई अगर बुला भी लिया तो आने का कोई सवाल ही नहीं, सरपंच यहाँ हो वोट मांगने के बाद कोई नहीं आता। हम तुम्हारी समस्या ये करेगा कि वोट पड़ने के बाद ये इतना किया है, टंकी लगाई है और ये नल के ये खाली बस। हम जिस बस्ती में खड़े हैं, इस बस्ती का नाम है बेड़वास कच्ची बस्ती, कहने को तो ये कच्ची बस्ती है लेकिन कच्ची बस्ती जैसी कोई भी सुविधा इसके अंदर नहीं है। आपने देखा होगा हर कच्ची बस्ती के अंदर एक स्कूल होता है, एक बच्चों के लिए खेलने का मैदान होता है, एक बैठने का निर्धारित स्थान होता है, लेकिन इस बस्ती की तरफ देखें तो न तो बच्चों के लिए बैठने का स्थान है, न बड़ों के लिए बैठने का स्थान है, यहाँ तक कि बिजली से भी ये लोग मायूस है। आए दिन इनके घरों में करंट आता रहता है, टायर टूट जाते हैं, ये निजी लाइनें खींच कर करंट अपना चला रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में ये गरीब इतने गरीब हैं कि अपना गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में सरकार का जो भारी मीटर अगर लगा दिया जाएगा, इनको डर है कि इतना बिल हम लोग कैसे भरेंगे, हम लोग पहली स्थिति थी वैसी की वैसी स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ बच्चों के लिए बड़ी विदंता की बात है कि स्कूल तक नहीं है, इसमें बच्चों ने अपने हाथों से पिछले 8 से 10 बार लिख के दिया है सरपंच, विधायक और कलेक्टर साहब को, जिसको राजस्थान की ओल्ड पोर्टल जिसको कहते हैं, उस पर संपर्क समाधान पर समाधान होगा, लेकिन बच्चों का समाधान अभी तक नहीं हुआ, नहीं कोई स्कूल बना, नहीं इनके लिए कोई आंगनवाड़ी बनी। हमारे घरों में पानी भर जाता है, उधर का पानी इधर आ जाता है, पूरी नालियां भर जाती है, कि ये उधर पूरा भर जाता है, घरों में भर जाता है, यहाँ पे नहीं है पानी की व्यवस्था नहीं है, ये नालियों का पानी नहीं जाता है और स्कूल की सुविधा भी नहीं है। बहुत समस्या सर है हमारे बस्ती में, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, गारे कीचड़ की समस्या ज़्यादा है, हम हल नहीं पा रहे, धंधा करने नहीं पा रहे, बहुत मजबूर हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ मजबूर, धंधा पानी करके मुश्किल से आते हैं, रात में लाइट चल जाती है तो आखिर मच्छर खाते हैं,
और लाइट लग जाता करंट आता है बच्चों को, करंट लग जाता है बच्चों कितनी बार गिर जाते हैं कि जब फिक जाते हैं इस मस्ती के अंदर, बहुत परेशानी है और बहुत दूर जाना पड़ता है हमको, यहाँ से रोड भी पार करना है दो तीन किलोमीटर जाना पड़ता है, धंधे पानी रोड रास्ता पकड़ना पड़ता है, स्टेशन पकड़ना पड़ता है इससे, और नाली की परेशानी तो हमारी इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा कि हम बहुत परेशान हो गए, बीमार भी हो गए। आंगनबाड़ी नहीं है सर यहाँ, आंगनबाड़ी होना चाहिए बच्चों के लिए, मतलब हर छोटे मोटे बच्चे, और दवाखाना जाओ तो हम यहाँ से दवाखाना जा सकते हैं, यहाँ से तो हम बहुत मुसीबत हो जाती है गाड़ी में जाने के लिए, तो पहुँच सकते हैं वहाँ तक फूल दियो, दवाखाना जाने में दो तीन घंटा लगता है, ऐसे मर भी जा सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई के बांध रहे हैं, कोई के बांध रहे हैं, कोई के बांध रहा है और मिल रहा है, कभी किसी की नहीं मिल रहा है, किसी की मिल रहा है। योजना चलती रहेगी, योजना करोगे तुम तो फायदा मिलता, आप सेवा कर सकते हो, आप मदद कर सकते हो, तो हमको सब कुछ हो सकता है, हम बहुत परेशान है, और पानी का तो बहुत ही व्यवस्था, पानी तो बहुत ही हद से ज़्यादा परेशान है। मैं ये मांग करती सर, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गटर की नाली की व्यवस्था होनी जरूरी है, और एक दवाखाना भी आसपास में होना जरूरी है, क्योंकि दवाखाने में हम जाते पहुंचते पहुंचते बहुत परेशान हो जाते हैं, लेट जापे वाले बच्चे वाली गाड़ी मोटर जाएगी तो परेशान हो जाती है बीच में जाकर, हमको पहले एक छोटा दवाखाना और लाइट चाहिए मेहरबानी हो सरकार की और म्यूनसिपालिटी से, कचरे और नाली कचरे की व्यवस्था बहुत है, कचरे वाले को साफ करना आता है, नाली साफ करना कोई आता नहीं है, और नाली साफ करने बीमार होते हैं सब बच्चे, फिर वो बहुत बीमार होते हैं, सर कहते इतना गंद का है, इतनी गंदी है, तो क्या करेंगे सर हम, कितनी गंदगी उठाएंगे हम। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और किसी को भी उसकी मदद को भेज देता है। उदयपुर में एक ऐसी ही कहानी सामने आई है, जब एक छोटी सी बच्ची जिसको उनके परिजन रेल में छोड़कर चले गए थे, उसने बिना हिम्मत हारे लोगों की मदद से पढ़ाई पूरी की और इसके बाद स्वेच्छा से जीवन साथी चुनकर शादी। ममता नाम की एक वर्षीय बालिका जिसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी, उसके भगवान के भरोसे छोड़कर उसके माता पिता चले गए। रेल में लावारिस मिलने पर इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी गई, फिर उसे महिला मंडल में रखा गया। प्रतिभावान ममता ने यहाँ पर अच्छे अंकों से 12वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण की। महिला मंडल ने 12वीं के बाद ममता का एडमिशन एमजी कॉलेज में करवाया और वहाँ के हॉस्टल में रखा। यहाँ पर उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और उससे पढ़े लिखे उमेश नाम के युवक से प्रेम हो गया। ममता ने अपना वर चुनने की बात महिला मंडल के प्रबंधन से की। मंडल ने लड़की के परिजन बनकर उमेश के घर रिश्ता भेजा और दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद बुधवार को ममता और उमेश की शादी करवा दी गई। शादी का पूरा खर्चा महिला मंडल और बाल विकास समिति ने उठाया और उसका कन्यादान किया। ममता का ससुराल पक्ष ने भी उसे बिना किसी समस्या के अपना लिया है। महिला मंडल के सभी 37 निराश्रित बालिकाएं निवास कर रही हैं, जिनका लालन पालन मंडल द्वारा किया जा रहा है। आज महिला मंडल प्रबंधन ने अपने यहाँ पर संचालित निराश्रित गृह में करीब एक वर्ष की बालिका जिसके माता पिता नहीं थे, निराश्रित बालिका को अपने पास रखकर उसको पढ़ाया लिखाया और उच्च शिक्षा कॉलेज भी करवाया, और जब वो 18 वर्ष की हो गई तो उसे लीगल फ्री किया, और लीगल फ्री करने के बाद उसने अपना जीवन साथी चुना, और जीवन साथी चुनने के बाद उसे आज भड़ियानम के उपलक्ष्य में उसका परंपरागत रूप से सामूहिक योगदान करके उसके उस विवाह पाणिग्रहण संस्कार कराया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज ये सारी महिलाएं और सारा स्कूली स्टाफ, बच्चे, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे, और बारात आई, बारात का स्वागत हुआ, लड़के ने तोरण किया, पाणिग्रहण संस्कार में सात वीरों के वचन लिए, और बेटी का कन्यादान जो है निम्बार्क महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं सुरेंद्र द्विवेदी और उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस अवसर पर स्नेह भोज का आयोजन भी किया, और जैसा लोग जो आए थे उन्होंने अपनी ओर से जो भी उचित हथवेला कपड़े लत्ते उनको दिए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। हमारे संस्था महिला मंडल में एक 1.5 साल की बच्ची CWC के माध्यम से यहाँ आई थी, वो ट्रेन में मिली थी, और संस्था के सभी कार्यकर्ता ने, गृह माता ने, वार्डन ने, सब ने उसको प्रेम से बड़ा किया और 12th तक यहाँ पास करी। उसके बाद उसको हमने मीरा गर्ल्स कॉलेज में उसको एडमिशन दिलाया, और हमारे संस्था के मंत्री जी द्वारा उसको सहयोग से उसने ग्रेजुएशन किया, और इस छुट्टियों में जब यहाँ रहने आई उसने अपना बताया कि मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है, तो संस्था के सभी कार्यकर्ता और मंत्री जी के सहयोग से आज उसका विवाह किया, और CWC का भी सहयोग रहा इसमें, राजकुमारी भार्गव व हरीश पालीवाल पूरे टाइम शादी में उपस्थित रहे और उसका शादी धूमधाम से हमने करके उसको विदा किया। निराश्रित में वैसे हमारे 2 यूनिट चलते हैं, 50 बच्चों का है जिसमें हमारे कल तक 46 है, एक और आगे थी 47 कल शाम तक। राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र में बुधवार को जायलो कार का एक्सीडेंट हो गया। मोखमपुरा नेशनल हाईवे पर टर्न लेते कार डिवाइडर तोड़कर सर्विस लाइन में घुस गई। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि कार में एक ही परिवार के लोग जयपुर से गुजरात के पालनपुर जा रहे थे। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। उदयपुर रेफर चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर संभाग तरबतर, कई गांव जलमग्न, सड़क संपर्क टूटा, जलाशय छलकने को आतुर। यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद लेक सिटी में मोदी पर दिए बयान के कारण आए थे विवादों में। मूलभूत सुविधाओं से महरूम है लेक सिटी की गुरु नानक कॉलोनी, नेता और प्रशासन सभी ने किया नजरअंदाज। पचास बरातियों से भरी बस खाई लटकी, 15 घायल, उदयपुर में चल रहा है उपचार। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।